वेलकम बैक नाजरीन। छोटी सी ब्रेक थी ना, कोई परेशानी नहीं हुई। ब्रेक के दौरान एक कॉलर हमारे पास है और वो कॉलर का नाम बड़ा जाना पहचाना है, पता नहीं ये वही है जो मैं समझाऊँ या कोई और है। अगर कॉलर है तो अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? मैं डॉक्टर रुरुज नाज बोल रही हूँ, नॉर्थ नाजाबाद कराची से। ओह अच्छा 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 डॉक्टर, यानी उरूज नाम तो माशाल्लाह सब उरूज पे होते हैं जो उरूज नाम वाले होते हैं। कैसी हैं आप? जी, और मुझे उरूज बाजी की कमी बे इंतहा महसूस हो रही है और मैं बिल्कुल हो आपकी रही है। बहुत बड़ी फैन हूँ। इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ आप सर, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। आपकी पहली दफ़ा आपने कॉल किया इस पे? जी, पहली बार कॉल की लेकिन आपके लेक्चर में आ चुकी हूँ पहले मैं। अच्छा अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, और आपकी बातें बहुत दिल को लगती हैं। काश हमारे मुल्क का हर शख्स आपकी तरह सोचने लगे। और मैं नाफरमान औलाद के बारे में ये बोलूँगी कि नाफरमान औलाद का कहीं कहीं जो है वो रिस्पॉन्सिबल फ्रेंड्स की बैड कंपनी भी होती बिल्कुल है सही है, बिल्कुल और सही है, थोड़ा बहुत मीडिया भी है इसके लिए बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल। सही, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही है। अब हमें सिर्फ ये करना होगा ना कि देखें, जो चीज़ें हमारे इख्तियार में हैं जी उस पे हमें काबू पानी। अब मीडिया हमारे इख्तियार में नहीं है, हाँ ये जी इख्तियार में कि हम क्या देखें और क्या ना देखें। जी तो जहाँ तक जो चीज़ हमारे इख्तियार में है उसे जी चेंज करने की कोशिश करें और जो नहीं है उसको एक्सेप्ट करें। तो उम्मीद है आपकी कि सर, बातें बहुत अच्छी होती हैं, बहुत अगर उस पर शुक्रिया। बंदा इम्प्लीमेंटेशन करे तो लाइफ वाकई सक्सेसफुल होगी। बस अल्लाह ताला का करम एहसान है, बस ये अल्लाह ये इल्म देता है, अता करता है और आप तक पहुंचाता हूं, बस यही काम है मेरा। और मुझे सर प्लीज़ वाउचर चाहिए रेखी मैं का, आपका नाम आप लिख देता हूं प्लीज़, मेरी ये रिक्वेस्ट अब है कि भी। मुझे ज़रूर अच्छा, दे हम दीजिए। उसूल उसूल को फॉलो करने वाले लोग हैं। आपका नाम लिख लेता हूं, डॉक्टर उरूज, जी और डॉक्टर उरूज फ्रॉम कराची। और ये यकीनन मैं बता दूं कि इतवार को 10th को शाम जी जी 5 बजे रेकी का वर्कशॉप कर रहे हैं। अगेन ह्यूज 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 डिमांड है, लोगों के जी मसाइल इतने हैं, बच्चे काबू में नहीं हैं, और मसले हैं, घर में नाचाकी है, बीमारी है, टेंशन है, स्ट्रेस है। तो हमारे पास इतनी रिक्वेस्ट आती है रेकी के लिए और हम दूसरे वर्कशॉप्स करा नहीं पा रहे क्योंकि कंटिन्यूसली रेकी करना पड़ा। बट एनी वे, थैंक यू डॉक्टर जी उरूज, आई हैव रिटन योर नेम। इंशाल्लाह कल हम इसकी लकी ड्रॉ करेंगे, अगर आपका नाम आ गया तो यू कैन ऑलवेज कम। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। हुमैरा कराची से, अस्सलाम वालेकुम। सुमैरा कराची से, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है जी। कुछ भी सुमैरा, काफी नहीं है, मिस कर रहे हैं हम भी, लेकिन एक उन लोगों की कंप्लेंट दूर हो गई जो लोग कहते हैं कि आप नजर नहीं आते कैमरे पे, अब आप ही नजर आ रहे हैं माशाल्लाह देखिए असल से। में मैं एक चीज़ आपको बताऊं सुमैरा, अगर सीनियर डॉक्टर जूनियर डॉक्टर को काम ना सिखाए तो हमारे मुल्क में डॉक्टर्स नहीं होंगे, सही बात है ना। है। मुझे याद है कुछ साल पहले मेरे छोटे भाई डाउ में थे और फाइनल ईयर में थे, तो मेरे कान में कोई प्रॉब्लम हो गया, दर्द काफ़ी हुआ। तो उसने कहा हमारे जो मोस्ट मतलब जो हेड ऑफ ENT है वो उनके पास ले जाता हूँ। तो वो स्टूडेंट्स को, OPD थी उसमें, वो स्टूडेंट्स को बता रहे थे तो मुझे बिठा दिया। अब उन्होंने मेरा कान तो चेक किया, सही, कान में कोई मेरे ख्याल में कोई दाना शाना हुआ होगा। ओ उसके बाद उन्होंने जितने 10-15 बच्चे थे सब ने मेरे कान चेक किए, तो खुदा गवाह है जो दर्द में लेके गया था उससे कई गुना दर्द में लेके वापिस आया, क्योंकि अच्छा सारे सबने कान खींचा ना देखने के लिए। सही, मगर अगर ये ना करे तो नए डॉक्टर्स कैसे बनेंगे? तो सही इसीलिए बात है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो करना था अल्लाह के करम से बहुत कुछ किया, बहुत कुछ अचीव किया। अब चाहता हूँ कि उरूज वो चीज़ें अचीव करे, तो उरूज को अपने साथ रखना ज़रूरी है। पर आपने तो हम लोगों को भी चेंज कर दिया है। आप चेंज होना चाहते हैं तो चेंज किया है, सही बात है। जो नहीं अच्छा, होना मुझे ये चाहते पूछना था जी। कि आपने नाफरमान औलाद का बहुत अच्छा टॉपिक रखा है, लेकिन मुझे ये बताएं कि हम लोग एज अ मतलब हम लोग अपने पेरेंट्स के औलाद हैं, ठीक है, जी जी हम कैसे जज करें कि हम लोग फरमा बरदार हैं या नहीं है? और दूसरा मुझे ये कहना था, जी, और बच्चों को जिन चीज़ों का मना किया जाता है ना वो उसी तरफ जाते हैं, वो क्यों? वजह इसकी ये है कि आपका मना करने का तरीका, बच्चे में हमेशा एक फितरती तौर पर तजस्सुस होता है। अच्छा, खबरदार ये डब्बा खोला तो वो खुद खोलेगा, अच्छा, इस कमरे में मत जाना तो वो जाएगा। तो सही, जिस चीज़ से मना करेंगे तजस्सुस होता है उस चीज़ की तलाश के क्यों मना किया जा रहा है। तो उसका तरीका ये है कि अगर आप मना करने की बजाय उसको समझाएं कि उसके लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है, और बच्चे को ओपन रखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नहीं चाहते कि कोई बच्चा डब्बा खोले तो उसको बोलें कि बेटा जाके डब्बा खोलो, मगर कोई बात ऐसी कर दें। या कई दफ़ा ये होता है कि आप उसको कोई सबक सिखाएं इस तरह
कि जिससे बच्चा समझ जाए कि मेरे लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ अच्छी नहीं है, और जो कहें उस पर खुद भी अमल करें, क्योंकि बच्चे देखते ज्यादा है सुनते कम है, ऑब्जर्व ज्यादा करते हैं। ऑब्जर्व, एक्सीलेंट। दूसरा मुझे ये कहना था कि कल आपने कहा कि अक्सर पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो या तो मदर जो है ना फादर के लिए कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग बच्चों के माइंड में डाल देती हैं, या फादर मदर के लिए। अब अगर ऐसी फैमिली है तो उन बच्चों को किस तरह ट्रीट किया जाए? देखिए, बच्चे को अगर एक तरफ कर दिया गया माँ की तरफ या बाप की तरफ, तो बच्चा हाफ पैदा मतलब हाफ बढ़ता है, यानी आधा आगे बढ़ता है, और वो जो मुकम्मल शख्सियत बननी चाहिए कि जहाँ दोनों पहलू ज़रूरी हैं उसके लिए, बाप की शफकत, बाप का प्यार, माँ की मोहब्बत, माँ की ममता, तो अधूरी शख्सियत रह जाती है। और बच्चे को आगे जाने के बाद जब वो अपनी ज़िंदगी शुरू करता है, तो अपनी अजवाजी ज़िंदगी में उसको यही प्रॉब्लम आएगा कि अपनी वाइफ को या अपने शौहर को एक्सेप्ट जब करेगा या करेगी, तो वहाँ उसके लिए चूँकि शख्सियत मुकम्मल नहीं होगी, अधूरी शख्सियत होगी, तो उसको कम्युनिकेशन में और रिलेशनशिप को मेंटेन करने में हमेशा प्रॉब्लम होगा। कहीं इनसिक्योरिटी होगी, कहीं फादर की बातें पसंद होगी और वो लड़के में नजर ना आई, तो वो हमेशा उस लड़के में अपने वालिद को तलाश करेगी अगर लड़की होगी तो। अच्छा, और सर मेरा नाम प्लीज वॉच, मैंने लिख दिया जी, मैं तो फौरन लिख दिया, आप बेफिक्र। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और आज अच्छे लग रहे हैं आप, प्लीज रूज आप भी को मिस नहीं करें, हम सब कर रहे हैं। नहीं, मैं भी मिस कर रहा हूँ। मिस तो कर रहे हैं लेकिन अब क्या कर सकते हैं, वो अपने काम से ही नहीं, नहीं आ जाएगी इंशाल्लाह, मंडे को प्रोग्राम में होगी इंशाल्लाह, कुछ दिनों के लिए, एक दो तीन दिन। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है, कैसे मिला रहे आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, कौन कहाँ से? मैं सर खालिद बात कर रहा हूँ, गुलशन इकबाल कराची से। खालिद साहब कैसे हैं आप? सर मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत बेहतर हूँ, और बहुत ज्यादा अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ। बहुत अच्छा टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है, बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही जरूरत है इस तरह के टॉपिक्स को सामने लाने की। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं अपने सारे भाई बहनों को जो इस तरह की चैनल सुन रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, दर्दमंदाना रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जरूर जरूर अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, अपने वालदैन का, बाप का, माँ का, जो बुजुर्ग है, जिस भी हाल में है, जो भी सख्ती करे, जिस भी कंडीशन में रखे, उनको प्यार मोहब्बत से रखें, उनके साथ कोई सख्ती ना करें। वो बहुत कीमती चीजें हैं, वो ऐसे ऐसे हस्तियां हैं कि जब वो चली जाएंगी तब हमें उनकी कमी महसूस होगी। इस चीज को मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि खुदारा अपने पेरेंट्स का ख्याल रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैसेज पैगाम है, आपका नाम भी, पूरा नाम क्या है आपका? सर मुश्किल है, सैयद खालिद अल खुल्द। अच्छा, सैयद खालिद अल खुल्द। देखो आपका नाम मैं लिख देता हूँ रेकी के वाउचर में। प्लीज सर, बहुत लिख दिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अब बहुत सारी बातें हम डिस्कस कर रहे हैं और बहुत सारे अवामिल हैं। अब एक चीज़ हमें करनी है कि हम क्या, देखें फ्रस्ट्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये देखना है कि हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं। ज़िंदगी और दुनिया तरक्की की तरफ गामजन है, आज हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी बेहतरियाँ हैं, अच्छी दवाइयाँ हैं, अच्छे मालेज हैं, अच्छे इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट है, आप अपने बॉडी का सीटी स्कैन करा लें, एमआरआई करा दें, होने वाली बीमारी का एडवांस में पता चल जाता है, इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन में, कम्युनिकेशन में कितनी सहूलत है, बैठे बैठे हज़ारों मील दूर किसी से फ़ोन पर एक लम्हे में बात कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जब तरक्की आती है, जब माशरा प्रोग्रेस की तरफ जाता है, तो उसकी रफ्तार बाज़ दफ़ा बहुत तेज़ होती है और इंसानी जहन या इंसानी साइकी उस रफ्तार को मैच नहीं कर सकती, बिलखसूस वो रफ्तार के जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि उनके जहन का प्रोसेस करने का तरीका डिफरेंट होता है। उन्होंने जो ज़माना देखा है, हमारे वालिदैन ने जो ज़माना देखा है, वो ज़माने में चीज़ें बड़ी स्लो होती थी, तेज़ नहीं होती थी, इन्फॉर्मेशन स्लोली आती थी, इन्फॉर्मेशन का वॉल्यूम कम होता था। एकदम से जो बम्बार्टमेंट जो हो रही है आजकल, कि आप टीवी पे देखें हर आधे घंटे बाद, 15 मिनट बाद, 5 मिनट बाद ब्रेकिंग न्यूज़, और ब्रेकिंग न्यूज़ भी कैसी, कोई नहाने गया तो ब्रेकिंग न्यूज़, नहा के बाहर आया तो ब्रेकिंग न्यूज़, कोई गाड़ी में बैठा तो ब्रेकिंग न्यूज़। अब इतनी इन्फॉर्मेशन इतने छोटे कलील वक्फे में इतनी तेज़ी के साथ जब आती है, तो साइकी, ह्यूमन साइकी प्रोसेस नहीं कर सकती हमारे बुज़ुर्गों की। उनके अंदर वो जो कम्युनिकेशन का जो तरीका होना चाहिए, जो इस दौर के नौजवान को या बच्चों को फर्मा बरदार बनाने के लिए, ओबीडियंट बनाने के लिए ज़रूरी है,
वो नहीं आ पाता, वो लैक करते हैं। और ज़ाहिर है कोई यूनिवर्सिटी नहीं जो ये चीज़ें सिखाए, इंसान अपने तजर्बे से सीखता है। हमने अपने वालिदैन से सीखा, मगर ज़ाहिर है मैंने ये चीज़ें माशरे में जाके माहौल से सीखी, यूनिवर्सिटीज़ में सीखी और दुनिया में कई मुल्कों में सीखी, तो मुझे पता है कि ये बयान करने की कुव्वत कितनी बड़ी है और बयान कैसे किया जा सकता है। मगर हर माँ बाप दे आर नॉट इक्विप्ड, उनके पास तो ये सलाहियत नहीं है, तो अब क्या करें? पहली चीज़ लिख लें कागज़ पे कि क्या क्या चीज़ें आपके बच्चे पे असर अंदाज होती। अगर आपके घर में कोई नाफरमा बरदार बच्चा है, डिसोबीडियंट चाइल्ड है, बेटा है, बेटी है, एक से ज़्यादा है, तो कागज़ पे कुछ दिनों तक उसको ऑब्ज़र्व करें। मुशाहिदा बहुत बड़ी कुव्वत होती है, मुशाहिदे की। ऑब्ज़र्व करें उसकी आदतें, किस वक्त उसको गुस्सा आता है, किस बात पर वो रिएक्ट करता है, बदतमीज़ी किस वक्त करता है, क्यों करता है। उन आदात को, उस बिहेवियर को, उन रवैयों को, उन बर्ताव को लिखना शुरू करें कागज़ पर। जब आप उन बर्ताव और बिहेवियर को लिखना शुरू करेंगे तो एक आध मंथ में आपको एक पैटर्न नज़र आएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ बड़े पते की बात, पैटर्न नज़र आएगा एक ख़ास के बच्चे का रिएक्शन, बच्चे की बदतमीज़ी, बच्चे का जवाब देना, ऊंची आवाज़ में बात करना, गुस्सा करना, एक ख़ास पैटर्न में होगा। कुछ औकात होंगे, कुछ रीज़न्स होंगे कि जिसकी वजह से बच्चा उन औकात में उन रीज़न्स की वजह से बदतमीज़ी करता है आपके साथ। जब आपके समझ में पैटर्न आ जाए, उसके बाद आपने ये फैसला करना है कि ये अवामिल जो हैं, जो इस पैटर्न में शामिल हैं, इन अवामिल को क्या मैं चेंज कर सकता हूँ बहैसियत बाप, या चेंज कर सकती हूँ बहैसियत वालदा या माँ। जो चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं आप कहें, मगर एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के उसूल हैं, जो दीनी उसूल हैं, जो रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, इसके ऊपर कभी कंप्रोमाइज़ मत करना। चाहे औलाद हाथ से निकल जाए, चाहे वो आपको छोड़ दे, कभी भी कंप्रोमाइज़ राइचसनेस, सच्चाई पे कभी भी मत करना, हक पर कंप्रोमाइज़ मत करना। एक कॉलर है मेरे ख्याल में, उससे बात कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम जी। राहत जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आप? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। वाह, लाहौर गर्म गर्म मौसम है। बस अब शाम में थोड़ी हवा चली है, थोड़ा सा वेदर जो प्लेजेंट हो गया है, मगर बड़ा दुख होता है जी लाहौर में लाइटों का, हम देख के बिजली में लोग बहुत परेशान। मगर हमें भी बड़ा दुख होता है कि आप लाहौर को टाइम कम देते हैं। नहीं, मैं महीने में एक दफा आता हूँ, मगर अब क्या करूँ, मुझे मगर हमें पता नहीं चलता ना डॉक्टर साहब। नहीं नहीं, आप मेरी वेब में, मुझे समझ नहीं आता, इस वक्त ये साइंस ही दौर है, ये इंटरनेट का दौर है। मेरी वेबसाइट हर हफ्ते एक दफा जाके चेक कर लें, उस वेबसाइट पर टिकर चलता है। मेरा नाम है मोइज हुसैन, तो www.moizhussain.com उस पर टिकर चलता है, आपको पता चल जाएगा। अच्छा अच्छा डॉक्टर, मैंने थोड़ा सा एक आपसे डिस्कस करना था। जरूर करें। है वो इस वक्त है तकरीबन क्लास 9th में। ठीक है। अच्छा, वैसे तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बच्ची है, मुझे उससे कोई ऐसा वो नहीं है, मगर उसका आज थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे 9th में उसके बोर्ड के एग्जाम है, तो उसके कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं कि जो हम जैसे बच्चे को कंट्रोल करना चाहते हैं कि चलो बच्चे के एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं तो बच्चा ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ ना मिले। ठीक है। वो स्टडीज़ में माशाल्लाह बहुत अच्छी है, मगर जैसे हम उसे घर में कंट्रोल करते हैं, उसके फ्रेंड्स जो है ना वो घर पर आ जाती हैं। अब इसको बंदा सही बच्चा अब वो आ जाते हैं, वो हमारे लिए वो सिचुएशन जो है ना वो उस वक्त थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है, ऐसी हो जाती है कि हम देखें अब वो बच्चे के फ्रेंड्स आए, आप उन्हें मना नहीं कर सकते घर पर। वो बच्चे के लिए भी बुरी बात है कि उसके फ्रेंड्स के सामने आप उसे कहें जी आप क्यों आए हैं, कि हम उन्हें कहते हैं हालांकि उनके पढ़ने का टाइम है, आप प्लीज नहीं आंटी प्लीज थोड़ी सी बात करनी बुला दें, नहीं आंटी प्लीज थोड़ी सी बात करनी बुला दें। ठीक। अब वो बच्चे का टाइम भी वेस्ट हो रहा है, वो जो बच्चे आ रहे हैं आप उन्हें भी कुछ नहीं कह सकते ज्यादा। ठीक। तो इसलिए हो जाता है कि बच्चा भी इरिटेट ना हो। ठीक है। तो वो अब इसका प्लीज आप कुछ बताएं, और लाहौर के लिए प्लीज टाइम निकालें जरूर। मैं लाहौर हूँ जी, मैं लाहौर हूँ 22, 23, 24 जून को लाहौर हूँ। अच्छा, 3 दिन तो वर्कशॉप कर रहा हूं। फिर कैसे कहां पे होंगे, कैसे आपको मेरे वेबसाइट पे चले जाएं, और अच्छा। प्रोग्राम के एंड में हमारा एक नंबर आता है 0345 8221 ठीक है। अब मैं एक थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। हम एक छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, और ब्रेक से वापस आने के बाद मैं डेफिनेटली इस कॉल का जवाब दूंगा कि इनके पास क्या चॉइसेस है और क्या ये कर सकती है। कहीं मत जाइएगा यू गए और यूं आए।